क्या भी सामने आना, सामने इधर आ जाओ। ओके सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करना चाहूंगा डॉक्टर जगन किशोर जी से, कृपया मंच पर आए। आज मंच संभालने का काम करेंगे चारों। सभा में आए हुए सभी अतिथिगणों का मैं दिल से स्वागत करती हूँ। हमारी सारी महिलाएं बहनें जो यहाँ आई हुई हैं उनका बहुत बहुत स्वागत, साथ में पुरुषों का भी बहुत स्वागत। पहले मैं उसके बारे में मैं आपको थोड़ा अवगत कराना। हम लोग समाज में हमारे यहाँ काफी सारे लड़कों में जा रहे हैं, क्योंकि कंप्यूटर हमारे यहाँ कुछ हमारे बिट्टू भैया जो है उनके कंट्रीब्यूशन से, हमारी मैडम के कंट्रीब्यूशन से हमें डोनेशन में कुछ जा रहे हैं। अभी कुछ जो टाइम्स ग्रुप ने हमारे यहाँ पे शुरू करवाया है इस 3 महीने के कोर्स में, जो पिछले वर्ग के 10वीं 12वीं पास स्टूडेंट्स हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ इंग्लिश पढ़ाई जाती है। वॉलेंटियर्स आते हैं जो इंग्लिश पढ़ाते हैं और फिर उनके लिए जो है जॉब फेयर लगाया जाता है। और एक इतनी तमन्ना है कि किसी अगर को टेंशन हो तो कोई परिवार टूटे नहीं, उनको समझा के उनको उनकी राइट भी उठाई गई है, तुम्हारे अधिकार है, यहाँ तुम एडजस्ट कर सकती हो, ये सारी चीजें समझा के कोशिश ये होती है कि परिवार को बचाएगा। प्रोग्राम अपने संस्था में करते रहते हैं, प्रोग्राम्स में हमारी कोशिश होती है कि महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में शिक्षा दें कि वो आत्मनिर्भर बन सके, किसी के ऊपर बोझ ना हो, समाज के ऊपर बोझ ना हो। देखिए महिलाओं का और सर सेकंड कौन सा दो नंबर अब मैंने कहा कि पुरुषों के कंधे से कंधा मिला लेकिन ऐसा नहीं है, स्कार्फ भी डालने हैं हमें, ये भी कि हमें समाज में अपना बैठना है, उनके साथ कोऑपरेट भी करना है। तो ये जो से उनको हम ऐसे संस्कार दें, उनको ऐसा माहौल दें कि वो समाज के उत्थान का कारण है, समाज को नीचे की तरफ रखे। तो ये जिम्मेदारी संस्था के मुख्य बात है। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ गिरिजन संस्थान एक ऐसी समाज में कार्यरत है। गिरिजन संस्थान एक ऐसी संस्था है जो पिछले 15 वर्षों से महिलाओं के उत्थान गंतव्य करने के लिए वचनबद्ध है। पिछले 15 वर्षों से इस कार्य को दिल्ली पूरे हिंदुस्तान में लाने के लिए 2 बार पद यात्राएं कर चुका है, जिसमें करीबन 1000 किलोमीटर यात्रा पैदल शामिल। मुझे गंतव्य संस्थान की तरफ से वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निमंत्रित किया गया है। मैं बताना चाहता हूं कि गंतव्य संस्थान पूरे वर्ष 4 कार्यक्रम मौखिक रूप से मनाता है। नंबर 1 विश्व मातृभूमि दिवस 2 फरवरी को, 8 मार्च को महिला दिवस, 5 जून को विश्व धरती दिवस एवं नवंबर और अक्टूबर के महीने में हम चित्रकला प्रतियोगिता एवं हेल्थ कैंप चेकअप कैंप लगाते हैं। इसके अलावा गंतव्य संस्थान पूरे वर्ष गरीब और दबे कुचले लोगों के लिए सहायता हेतु कार्यरत है, तन मन धन से करते हैं। उनके विश्व 22 वर्ल्ड रिकॉर्ड है, वो हमेशा प्रोत्साहित करते हैं कि विश्व में जो महिलाओं हैं उनका महत्वपूर्ण स्थान है, हमारे परिवार गंतव्य संस्थान कार्यरत करता है। इसके अलावा और हमारे माननीय अध्यक्ष श्री अरविंद त्यागी ने 5 लाख पेड़ लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए जो एक उपलब्धि है संस्थान के लिए भी और त्यागी के लिए भी।
पदयात्रा निकाली गई थी मोमबत्ती के साथ, जिससे कि समाज में जो लाए जो पर्यावरण संशोधन फैला जा रहा है उसकी वो दूर करने के लिए गंदे संस्थान द्वारा एक स्थानीय कदम था कि समाज में जो लाइट है जो हो रहा है एंड जो वातावरण में विपरीत परिस्थितियां पैदा हो रही हैं उसे संतुलन बना रहे। गीता नायर जी और हमारी जो जनरल सेक्रेटरी संस्था की मिसेज खत्री जो लॉयर भी हैं उनके साथ जो अपनी दीदी एनजीओ चलाते हैं उन गरीबों के लिए हमारे वहां इंदिरा विकास कॉलोनी जो इन्होंने बहुत अच्छी सुचारू रूप से जैसे उन्होंने बताया था कि बच्चों के लिए अच्छे कार्यक्रम किए जाते हैं उन बच्चों के लिए जो गरीब शायद सहारा ढूंढते हैं और एक तरफ हमारी बहन वकील हैं एक तरफ रिटायर्ड प्रिंसिपल रीता नायर जी हैं और इन्होंने मिलकर बेहतरीन काम किए। शायद इंसान के जीवन में अपने लिए तो हर कोई करता है अपने बच्चों के लिए अपने परिवार के लिए अगर कुछ अंश हम उन लोगों के लिए करें जिन्हें हमारी जरूरत है तो शायद ईश्वर इससे बड़ी अनुकंपा उस इंसान पर नहीं कर सकता जो लोग करते हैं। उपस्थित सभी बहन भाई माताएं सत श्री अकाल और आज यहाँ आके मुझे गर्व महसूस होता है और होना भी चाहिए क्योंकि हमारी बुनियाद हमारा निशान हम दुनिया में कौन हैं कहाँ से आए हैं इसका सबूत सिर्फ मां ही दे सकती है और वो आप लोग हैं जिनकी बदौलत सारी कायनात चल रही है। और मुझे बुलाया गया उपस्थित सारे लोग हैं यहाँ पे मैं ज्यादा लेक्चरर नहीं हूँ लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि पांडे जमी है पांडे ने बी है पांडे हो ब्याह तो औरत के बिना शादी नहीं है औरत के बिना माँ नहीं है औरत के बिना बहन नहीं है सारी शक्ति है। और गुरु महाराज ने भी इसको गुरु नानदेव जी ने आज शनिवार के कीर्तन में इसको बयान किया है सो क्यों दाखिये सो क्यों दाखिये जित जमे राजा जित जमे राजा जित जमे जिनकी बदौलत पैगंबर साधु भगत और ये भगवान चाहे कृष्ण जी है चाहे राम जी है अगर वो दुनिया में आए हैं तो उसको दुनिया में अपना पैगाम सुनाने का मौका और ये रास्ता दिखाने का मौका आप लोगों ने दिया है तो आपको बहुत बहुत नमन नमन नमस्कार चकदे फटे जीते जागते रहो बोले सोनेहा सभी विदुषी बहने और विद्वान व्यक्तियों को मैं नमस्कार करती हूँ। गंतव्य संस्था द्वारा लगातार ही 15 वर्षों से समाज की कुरीतियों को कैसे दूर किया जाए इसके लिए सघन प्रयास किए जाते रहे हैं और जब से मैं इससे जुड़ी हूँ तो देखने में ऐसा आया है कि त्यागी जी अपनी संस्था के माध्यम से दिल्ली के सभी कोनों में कुछ ना कुछ प्रयास हमेशा ही करते रहते हैं और उनके मन में स्त्री जाति को लेकर एक विशेष स्नेह श्रद्धा और भक्ति रहती है और जब भी वो कोई कार्यक्रम बनाते हैं या कोई प्रोजेक्ट करते हैं तो उसके मूल में कन्या ही होती है। वो जरूरत कहीं और बाहर जाकर देखने की नहीं है केवल और केवल हमारे जो कुछ संस्कार रहे हैं एक तरफा बात है
आप ये भी कह सकते हैं कि आप किस संस्कृति की बात करती हैं। आज अगर क्राइम अगेंस्ट विमेन एंड चिल्ड्रन है और दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा है या भारत के सभी कोनों में है या क्राइम फ्यूचर में और बढ़ेंगे और हमारे समाज में दस या 15% लोगों को मेंटल डिसऑर्डर्स होंगे, उसमें साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स हैं जो हमारे बॉडी से पता कुछ रहेगा। थैंक यू वेरी मच सर। अब हमारे बीच आ रही है अनामिका, वो जिसको कहते हैं राम राज्य, वो इस धरती पर पुनः स्थापित हो सकता है। ओम थैंक यू शक्ति, जिसे मैं टीम के रूप में देखता हूँ, सब विराजमान सभी का मैं स्वागत करता हूँ। अपने लिए एक बार जोरदार ताली खुद भी जाए। अभी मेरे एक मित्र पीछे कह रही थी कि तैगी जी आज चुपचाप खड़े हो, क्या बात है? तो मैंने कहा भैया बकरी के सामने कुछ खाने के लिए रख दो और सामने शेरनी को बिठा दो, तो क्या खा पाएगी? बात करी पत्नी मेरे सामने बैठी है, भैया मैं क्या खाऊं? बहुत देर से माहौल सिर्फ बातें बातें बातें। Thank you.
धीरे धीरे ले आओ पकड़ के। मैचिंग पूरी हो नहीं पाएगी तो बहुत ही सुंदर नगमा जो मुझे बहुत पसंद। स्वागत चाहूंगा नेहा यादव जी का जिनको बहुत प्रताड़ित किया गया और दहेज के लिए इनको जलाया भी गया, उसके बावजूद भी आज ये अपनी हिम्मत की बदौलत हमारे बीच में खड़ी है। सच्चे अवार्ड की विनर यही है, मैं चाहता हूँ कि इनके लिए तालियां जोरदार हो। एक मिनट चाहिए।
अपने पीछे बच्चों को सामने आ रहे ऐसे काम थोड़ी चलेगा। चलो सबका आपका निवेदन मानते हैं बिल्कुल, मैं निवेदन करूंगा अपने अतिथि से कृपया मंच पर आ जाए क्योंकि तो पीछे लोग कह रहे हैं देख नहीं पा रहे, तो प्लीज आप लोग बताइए। बस फिर भी हारमोनियम बढ़ जाएगा काम चल रहा डेस्क पीछे करना ठीक डेस्क पीछे करवा दो प्लीज। नेहा यादव जी ये वो महिला है जिन्हें अजमेर साहस के लिए पुरस्कृत किया जा रहा है, इन्होंने खुद को ससुराल वालों के द्वारा जलाए जाने से बचाया था। यस पीयूष त्यागी जी, दीपा हसीन जी और सारिका अरोड़ा जी, राजेश बंसल जी और जॉबिका,